बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन। मैं सबसे पहले तो खुशी का इजहार करना चाहता हूँ कि आज मैं सिंध आया हूँ, इंटीरियर सिंध। कराची तो काफ़ी जाना होता है, लेकिन ज़्यादा मुझे मौका नहीं मिला जब से मैं प्राइम मिनिस्टर बना हूँ इंटीरियर सिंध आने का। मैं इंटीरियर सिंध क्यों ज़्यादा आना चाहता था, बदकिस्मती से नहीं आ सका, क्योंकि सिंध जो अंदरून सिंध है वो पाकिस्तान का सबसे गरीब तरीन इलाका है। जब भी मैंने जब सियासत शुरू की आज से तकरीबन 25 साल पहले, तो जब भी मैं सारे पाकिस्तान के दौरे लगाता था तो कई इलाके मुझे सबसे पीछे लगे बाकी इलाकों से। बलूचिस्तान में बड़ी मैंने गुर्बत देखी। जो पहले कबायली इलाका था जो अब मर्ज कर गया है पख्तूनख्वा के साथ, उधर बहुत गुर्बत, बड़े मुश्किल हालात में लोग रहते थे। और फिर अंदरून सिंध देखा मैंने, बहुत ही गरीब तरीन पाकिस्तान का इलाका, और लोगों की जो हालात मैंने देखे, बड़े मुश्किल हालात में मैंने लोगों को जीते देखा। बुनियादी ज़रूरियात नहीं, हकूक नहीं, पुलिस का जुल्म, इंतकामी कार्रवाई, ताकतवर कमज़ोर के ऊपर हर किस्म का जुल्म कर सकता था। और जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की, वो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं थी। और ये मैं अब से नहीं, मैं जब भी सिंध आया हूँ और जब मैं इसके ऊपर तकरीरें भी की, जलसे भी किए, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि यहाँ के जो अंदरून सिंध के लोग बहुत पीछे रह गए। मोहनजोदारो को देखो, 5000 साल पहला वो शहर बना था, और आज अक्सरियत सिंध के गांव देखो तो वो बजाय आगे जाने के इलाका पीछे जा रहा है। और मैंने ये भी सोचा कि इलेक्शन कैंपेन जब हुई 2018 में, तो मैं पूरी तरह इलेक्शन कैंपेन करूं इंटीरियर सिंध में, लेकिन क्योंकि हमारा इतना बड़े माफिया के साथ मुकाबला था उधर पंजाब में, इसलिए इधर भी मुझे मौका नहीं मिला जो मैं टाइम सिंध पे गुजारना चाहता था। आज मुझे खुशी है कि हमने मुश्किल हालात में, क्योंकि आपको अंदाज़ा है या नहीं कि जो हमारी हुकूमत आई तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा चढ़ा हुआ था पाकिस्तान। और मैं सिर्फ आपको अब स्टैटिस्टिकली बताता हूं कि ये कर्जा क्या था, कितना था। हमारे 2.5 सालों में हमने कितना कर्जा वापस किया और सूद, और जो हमारे से पहले हुकूमत थी नून लीग, उन्होंने अपने 2.5 सालों में कितना कर्जा वापस किया। तो उन्होंने कर्जों की किस्तें और जो सूद मिला के 20,000 अरब रुपया वापस किया। हमने अपने 2.5 सालों में 35,000 अरब रुपया वापस किया कर्जों का। कहने का ये कोई, यानी ये कोई खुशी की बात नहीं है, क्योंकि जब आप 15,000 अरब रुपया कर्जा और उसकी किस्तें पिछली हुकूमत से ज़्यादा वापस करते हैं, तो सिर्फ ये सोच लें कि वो 15,000 अरब अगर हम आवाम पे खर्च कर देते, सड़कों पे, स्कूलों पे, अस्पतालों पे, नहरें बनाने पे, इरिगेशन सिस्टम ठीक करने पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो ये मुल्क कहाँ से कहाँ जा सकता था 2.5 सालों में। लेकिन बदकिस्मती से वो पैसा जो पहले कर्जों का पहाड़ चढ़ा हुआ था, उसकी किस्तें और सूद के ऊपर वापस हमारा पैसा चला गया।
तो क्योंकि वो इतना ज़्यादा हमें कर्जा देना था, हमारे पास इतना पैसा नहीं जो हमें लोगों के ऊपर खर्च करते हैं हम। तो जो आज हमने 440 अरब का जो पैकेज बनाया, ये बड़ी मुश्किलों से इधर उधर से पैसे खींच के बनाया, लेकिन इंशाल्लाह इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। यानी ये जो पैकेज है, ये पहले हमने पूरी इसकी सारी तैयारी करवाई, फीजिबिलिटी सब तैयार है, तो इंशाल्लाह ये एक महीने के अंदर ये पैकेज ज़मीन पे आना शुरू हो जाएगा और इसकी आपको असरात मिलने शुरू हो जाएंगे। मुझे जो खुशी है सबसे ज़्यादा, जो कि हम स्किल ट्रेनिंग कर रहे हैं नौजवानों की। देखें, हमारी इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन हमें इस आबादी का फ़ायदा तब होगा, और नौजवान आबादी है, 60% हमारी आबादी 30 साल की उम्र से कम है। अब ये अगर हम इनको हुनर सिखा सकें, स्किल एजुकेशन दे सकें, तो ये आबादी सारा हमारा असासा बन जाती है, और अगर हम नहीं देंगे और इसी तरह चलेंगे तो ये बोझ बन जाएंगे। तो एक तो स्किल्स एजुकेशन के ऊपर हमने बड़ी रकम की एलोकेट की है। उसके बाद ये जो अभी मैंने चेक दिए हैं, कामयाब जवान, हुनरमंद जवान, ये पूरी कोशिश है कि नौजवानों को हम अपने पैर पे खड़ा करें, उनकी कोई बिजनेस, उनका कोई आइडिया, उसके पैसे दें ताकि वो अपनी कोई बिजनेस शुरू कर सके। अभी मैं पूछ रहा था, किसी कोई अपने डेयरी फार्म बना रहे हैं, किसी कपड़े की दुकान है, तो जो भी अपना सेटअप करना चाहे, हमारी गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि उनको हम वो पैसा दें जो कि सूद के बगैर हो, जो उनको खर्च ना करना पड़े। तो इंशाल्लाह एक तो हमने यूथ के ऊपर पूरा जोर लगाना है, और खेलों की जो फैसिलिटीज़ हैं उसके ऊपर भी पूरा जोर लगाएंगे नौजवानों को। ये भी बड़ा मैं देखता हूँ कि सारे पाकिस्तान में खेलों की ग्राउंड ही नहीं है, थोड़े सी खेलों की ग्राउंड हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि न्यूजीलैंड, उसकी सारी आबादी मुश्किल से 50 या 60 लाख है, 50 या 60 लाख सारी न्यूजीलैंड की आबादी है। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। उस 50-60 लाख की आबादी, वहां ज्यादा खेलों की ग्राउंडियां बजाय हमारे सारे 22 करोड़ लोगों की। तो जब लोग कहते हैं कि इतनी सी, अभी हमारी टीम गई तो उनसे हार गई, तो लोगों ने कहा वो तो इतना जजीरे हैं दो, उनसे कैसे हार सकते हैं। देखिए, जो जितना मर्जी टैलेंट हो, टैलेंट को ग्राउंड चाहिए खेलने के लिए, अगर ग्राउंड ही नहीं है वो टैलेंट का क्या फ़ायदा, या आबादी का क्या फ़ायदा। तो लिहाजा ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सारे पाकिस्तान पे, जो सूबे हमारे नीचे हैं। देखिए, पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 18th अमेंडमेंट के बाद वफाक से सारा पैसा सूबों पर चला जाता है। वफाक जब वो सूबों को पैसा दे देती है, और फिर वो डिफेंस के ऊपर भी, और फिर सूद भी, जो ये जो कर्जे लिए उनको सूद भी उसको देना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, तो वो पहले से ही वफाक मकरूज हो जाती है, कर्जे लेके चलाते हैं हम मुल्क। तो इसलिए सूबों के पास तो सारा पैसा आ जाता है। तो ये जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं, ये हम अपनी तरफ से, वफाक जो दे बैठा है सूबों को पैसा, हम अब अपनी तरफ से दे रहे हैं, ये हम और जगह से पैसा निकाल के कर रहे हैं। तो इसलिए जिम्मेदारी सूबों की है, लेकिन इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो भी पैकेज है, और ये इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा सक्कर हैदराबाद मोटरवे का, बहुत बड़ा सिंध के लोगों को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान के लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारा जो लॉजिस्टिक्स, हमारी जो कनेक्टिविटी, हमारे जो डिस्टेंसेस, सड़कें अच्छी बनती हैं, तो सारे पाकिस्तान में
बिजनेस करना, तजारत करना, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वो आसान हो जाता है। तो इससे इसका सब सारे मुल्क को फ़ायदा है, लेकिन ख़ास तौर पर आपके इलाके को। और वो जो डैम अभी असद ने कहा था उससे कितने एकड़ लोगों की ज़मीनें काश्त होगी, तो वो उससे इलाके को फ़ायदा होगा। जो मैं आपको पता नहीं इस चीज़ का इल्म है या नहीं, हमने जब अपना एहसास का प्रोग्राम लॉन्च किया जब ये कोरोना वायरस आई पाकिस्तान में, तो एकदम जब लॉकडाउन हुआ तो सारे मुल्क में गरीब तबका पिस गया। जब लॉकडाउन हुआ तो जो दिहाड़ी वाले मजदूर थे या जो अपनी छाबड़ी चलाते थे, ये जो अपनी छोटी दुकानें थी, ये सारे जो कमज़ोर गरीब तबका एकदम पिस गया, क्योंकि सारा मुल्क बंद हो गया। और शुक्र है अल्लाह का कि हमने सबसे पहले अपना मुल्क खोल दिया, नहीं तो जो हिंदुस्तान के अंदर जो जिस तरह की तकलीफ लोगों को उठानी पड़ी, जिस तरह का उन्होंने लॉकडाउन किया, शुक्र है हमने उस तरह का नहीं किया, हमने अपने कमज़ोर तबके को बचाया। उसके बावजूद लॉकडाउन की वजह से एकदम पाकिस्तान में गुर्बत आ गई। तो हमने एक एहसास प्रोग्राम लेके आए, 1.5 करोड़ खानदानों को हमने बड़े थोड़े वक्त पे उनको हमने पैसे दिए सिंध में, सारे पाकिस्तान में, और वो सारा और पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ मेरिट के ऊपर। और अब मैं मेरिट का आपको बताऊं, मेरिट ये थी कि किसी, हमने ये नहीं देखा कि ये हमारा या दूसरों का है, ये यानी हमारा वोटर है या हमारा वोटर नहीं है, ये हमारा सूबा है या हमारा सूबा नहीं है। आप सब के लिए मैं सिंध के लोगों को ये बता रहा हूँ, मुझे बड़ा फख्र है इस चीज़ पे, क्योंकि हमने मेरिट पे दिए और अंदरून सिंध के अंदर सबसे ज़्यादा गुर्बत थी, तो सिंध का 23% आबादी है, 22% आबादी सिंध की, 33% हमने एहसास का प्रोग्राम सिंध में खर्च किया पैसा, 22% आबादी और 33% जो एहसास का पूरा फंड हमने दिया, और वो तकरीबन फंड था जो टोटल फंड एहसास का था मेरे ख्याल में 180 अरब रुपया था, तो उसका 33% सिंध पे खर्च हुआ, सिंध के लोगों को हमने पैसा दिया। और मैं ये सिर्फ, मुझे फख्र इस चीज़ का है कि हमने ये नहीं देखा कि हमारा सूबा नहीं है, हमने देखा कि यहाँ गुर्बत ज़्यादा है। और आज भी हम यही कर रहे हैं कि पूरे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम सिंध के लोगों की मदद करें। मुझे सिर्फ एक अफसोस है कि हमने एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट लेके आ रहे थे, कराची के पास एक जजीरा है जो ऐसे ही पड़ा हुआ है बड़ी देर से, हमने उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया, एक बिल्कुल एक नया शहर उधर बन जाए, और सब तैयारी हमने कर ली, बाहर से इन्वेस्टर्स भी तैयार हो गए, सिंध हुकूमत ने हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी दे दिया। और उससे अरबों अरबों रुपए का सिंध के अंदर पैसा आना था, सिंध के लोगों को नौकरियां मिलनी थी, जो वेल्थ जनरेशन होनी थी, यानी जो एक पूरा शहर बनना, इसका मतलब जो रोजगार जो खर्चा होना था वो सारा सिंध में होना था। सिंध हुकूमत को हमने ये भी कह दिया कि जो नफा भी होगा वो भी आप रखें, यानी जो भी वहां से अगर प्रॉफिट है वो भी सिंध हुकूमत रख ले, फायदा भी सिंध के लोगों को, नौकरियां भी, दौलत में इजाफा भी। इधर सिर्फ पाकिस्तान को क्या फायदा होना था, सारे पाकिस्तान को, कि क्योंकि बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही थी तो कम से कम हम अंदाजा लगा रहे थे 40 अरब डॉलर बाहर से आना था जो कि इन्वेस्ट होना था उधर, तो सिर्फ गवर्नमेंट को तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में इजाफा होना था, वो भी सारे पाकिस्तान का फायदा, क्योंकि जैसे जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे बढ़ रहे हैं तो रुपया भी मजबूत हो रहा है। जब रुपया मजबूत होता है तो आपने देखा होगा कि कल डीजल और पेट्रोल की कीमत नीचे आ गई है क्योंकि हमारा रुपया मजबूत हो गया।
तो इसका सारे मुल्क पे असर पड़ता है जब एक रुपया मजबूत हो। तो इससे सिर्फ हमें ये फ़ायदा होना था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आ जाने थे जिससे हमारा रुपया मजबूत हो जाना था। लेकिन मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि सिंध की हुकूमत ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे के हमें कैंसिल कर दिया, तो नुकसान तो सबसे ज़्यादा सिंध को हो रहा है इससे। तो मैं अभी भी सिंध की हुकूमत को ये कहूँगा कि प्रोजेक्ट तो आपके लिए है, सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज, वो तो रिजर्व्स हमारे बढ़ेंगे, वो भी जब डॉलर रुपए में आएगा, रुपया सारा खर्च होगा सिंध के अंदर, तो फ़ायदा तो सारे आप हमारे सूबे सिंध को था। लेकिन मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि ये क्यों आखिरी एकदम उन्होंने हमारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट करके वापस ले लिया। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि इसके ऊपर नज़रसानी करें, मुल्क का भी फ़ायदा है और सबसे ज़्यादा सिंध का फ़ायदा है। अभी सानिया निश्तर जो हमारे एहसास प्रोग्राम हेड करती हैं, वो भी आके आपके सामने वो भी बताएंगे कि हमने अब जो एहसास प्रोग्राम है, हमने पहले सोचा था कि 70 लाख लोगों को हम सिर्फ देंगे इस बारी, जो हमने वो जो पहले पैसे थे। अब हमने उसको आगे बढ़ा दिया है, 1,20,00,000 लोगों को हम अब खानदानों को, लोगों को नहीं खानदानों को, अब हम एहसास प्रोग्राम में लेके आ रहे हैं। तो मैं आखिर में फिर से अपनी खुशी का इजहार करता हूं कि बड़ी देर के बाद अंदरून सिंध में आया हूं, लेकिन शुक्र है कि मैं जब आया हूं तो मैं कोई खुशखबरी अपने लोगों के लिए लेके आया हूं। और मैं कभी भी पाकिस्तान के कोई भी सूबे को, पाकिस्तान के लोगों को कभी मैंने ये नहीं समझा कि वो मेरे लोग नहीं हैं, सारा मुल्क मेरा है, मैं अपना समझता हूँ। कोई सूबे में गवर्नमेंट जो भी हो, वो भी सूबा भी हमारा ही है। और हम इंशाल्लाह ईमानदारी से इंशाल्लाह सारे अपने पाकिस्तान के जिधर जिधर जो जो इलाके पीछे रह गए हैं उनके लिए पूरी मदद करेंगे उन ऊपर आने में। बलूचिस्तान में हमने, ये भी मुझे फ़ख्र है कि सबसे बड़ा जनूबी बलूचिस्तान के लिए पैकेज पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हमारी गवर्नमेंट ने वहाँ दिया है, तो मुझे उसकी भी खुशी है, क्योंकि वहाँ भी बहुत गुर्बत है। कबायली इलाका, जो पुराना कबायली इलाका था, उधर भी हमने सबसे ज़्यादा इस वक्त पैकेज दिया है, जो कि इंशाल्लाह बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि वहाँ भी बहुत गुर्बत है। और इंशाल्लाह जो हमारी कोशिश है कि सारा पाकिस्तान में जो जोर लगाएं, पॉलिसीज बनाएं अपने निचले तबके को ऊपर लाने के लिए। मैं फिर से अपने सिंध के लोगों से यह आज वादा करता हूँ कि पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आपके हालात बेहतर करने में। शुक्रिया।